एसी का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री ही क्यों होता है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती है? एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक नई फॉर्च्यूनर से भी महंगा है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को कलर में कैसे कन्वर्ट किया गया था? और ऐसी चीजें जिन्हें आप आज तक सच मानते आ रहे हो, लेकिन वो सच नहीं है। और क्या इन चीजों में सच में कोई भूत है? और क्या हुआ जब गाय को VR और मुर्गे को कैमरा पहनाया गया? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जब डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देते हैं तो वो सिरिंज को इस तरह से क्यों फ्लिक करते हैं? देखने में तो ये छोटी सी चीज ही लगती है, लेकिन असल में ये आपकी सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। देखो, जब मेडिसिन सिरिंज में डाली जाती है तब कभी कभी हवा के बबल्स सिरिंज में फंस जाते हैं। अगर ये बबल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो वो आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर सिरिंज को फ्लिक करते हैं तो वो ये बबल्स को ऊपर ला देते हैं और फिर प्लंजर को दबाकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि मेडिसिन सही तौर पर इंजेक्ट हो रही है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि एसी का टेम्परेचर कभी भी 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों नहीं जाता है? आप कोई भी कंपनी का एसी ले लो, उनका मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री ही होगा। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर आप 16 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे तो एसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इवेपोरेटर कॉइल जो एयर को ठंडा करता है वो फ्रीज हो जाएगा, जिससे एसी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे का टेम्परेचर आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा और हेल्थ के लिए भी रिस्क हो सकता है, जैसे कि हाइपोथर्मिया। कंपनी एसी को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही बनाती है ताकि एसी की एफिशिएंसी और कंफर्ट बैलेंस में रहे। और ये ज्यादा लो टेम्परेचर को डिस्करेज करते हैं क्योंकि ये एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं और एसी की ज्यादा लो सेटिंग से डीह्यूमिडिफिकेशन में रुकावट आ सकती है, जिससे एक ठंडा और गीला माहौल हो जिसमें मोल्ड ग्रोथ हो सकती है। हाँ, लोअर टेम्परेचर वाले एसी पॉसिबल हैं डिजाइन करने में, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे एसी का प्राइस भी इंक्रीज होगा। वैसे आप कितने टेम्परेचर पे अपना एसी रखते हो? नंबर 3, जब आप बाल शेव करते हैं तो आप स्किन के ऊपर से उसे एक तरह से स्लाइस करते हैं। इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ग्रो बैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लेजर हेयर रिमूवल यूज करते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा परमानेंट हो जाता है, इसीलिए क्योंकि लेजर हेयर रिमूवल स्किन के नीचे वाले हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है एक खास तरह की लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। ये लाइट एक इंटेंस गर्मी है जो हेयर के बेस को डैमेज कर देती है, जिसे वो दोबारा ग्रो होने से रोकता है। नंबर 4, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हो तो ये गलती कभी मत करना। इस जगह का नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये छोटे से दिखने वाले पानी के गड्ढे कितने ज्यादा गहरे हैं। अगर गलती से भी आपका पैर इनमें पड़ गया तो बाद में आप नीचे जाते ही जाओगे और किसी को आपकी आवाज तक नहीं आएगी। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए किसी ने 8 फीट से भी ज्यादा लंबी स्टिक इसके अंदर डालकर देखी, तो देखो वो स्टिक पूरी ही अंदर चली गई और ये पडल्स अलास्का में है। नंबर 5, मैं ये देख के हैरान था कि ये शिप हवा में कैसे उड़ रही है। दरअसल इसे कहते हैं घोस्ट शिप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई भूत है, बल्कि ये आपके आंखों का धोखा यानी ऑप्टिकल इल्यूजन है। असल में होता क्या है कि कई बार हवा की लेयर्स जो समंदर के पास होती हैं वो ठंडी होती हैं और ज्यादा डेंसर होती हैं, और अपर लेयर ज्यादा गर्म होती है और कम डेंसर होती है। जब लाइट ज्यादा डेंसर लेयर से कम डेंसर वाली लेयर पे जाती है तो वो बेंड हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि लाइट हमारी तरफ बेंड होके आती है तो हमें वो शिप हवा में तैरती हुई नजर आती है, जबकि वो तो समंदर पे ही तैर रही होती है। इसे बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। नंबर 6, स्पेस से रिलेटेड आपकी कुछ गलत फहमीज जिन्हें आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले मैं शर्त लगाता हूँ कि आप भी यही मानते होंगे कि गर्मी के मौसम में दुनिया सूरज के ज्यादा पास होती है और सर्दी में दूर हो जाती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सर्दी और गर्मी दुनिया के टिल्ट यानी थोड़ा सा झुकने की वजह से होती है। इसीलिए जब हमारे यहाँ जून में बहुत गर्मी पड़ती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है। नेक्स्ट, आपको भी लगता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से मूव करता है, बट रियलिटी में ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है क्योंकि सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और हम सूरज के पीछे पीछे उसका चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, हम सभी को चांद बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में चांद गोल नहीं है बल्कि लेमन यानी एक नींबू की शेप में है, जो कि मुझे तो स्कूल में कभी नहीं बताया गया। एनीवेज, ये हमें गोल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। नंबर 7, साल 2010 में एक मुर्गे को हेलमेट पहनाकर उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया गया, ये देखने के लिए कि आखिर मुर्गे की मुंडी कितनी स्टेबल होती है, जिसके बाद मुर्गे को एक बाइक के आगे बैठाकर 230 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बाइक रेसिंग, फिर मोटर क्रॉस बाइक जंपिंग, ग्राउंड में रनिंग, 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग, वाटरफॉल राफ्टिंग, यहां तक कि एक बोट के आगे बैठाकर भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। फिर जब प्रोफेशनल्स ने इसकी रिकॉर्डेड फुटेज को चेक किया तो पता चला कि एक मुर्गा कैमरा स्टेबलाइजर से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और इस कैमरामैन की रिकॉर्डेड वीडियो की क्लैरिटी और स्टेबिलिटी एकदम जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए मुर्गे के भाव इतने बढ़ गए, तभी तो आज मार्केट में पूरे 200 का बिक रहा है, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। नंबर 8, ये चीज अचानक से जिंदा होकर अपने आप नाचने लगती है, जबकि इसके अंदर तो कोई इंसान भी नहीं है। वेल, ये कोई आम चीज
नहीं है बल्कि आत्माओं को बुलाने के लिए की गई एक खास तैयारी है। दरअसल वेस्ट अफ्रीकन ज़ेनबेटो फेस्टिवल के दिन घास से एक कोन शेप स्ट्रक्चर को तैयार करके अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उनकी आत्मा आकर घूम घूम कर डांस करने लगती है और इसे खोलकर लोगों को भी दिखाया जाता है कि कोई इसके अंदर छुपकर नहीं बैठा। लेकिन आत्मा गलती से ठोकर खाकर कैमरे में कैद हो गई जिसे फिर लोगों ने छुपा दिया। तो अब बताओ क्या सच में इसमें कोई आत्मा आती है? वैसे इनके म्यूजिक में वाइब तो है। नंबर 9, इस वायर को अगर आप 1000 बार भी खींचोगे तो भी ये खत्म नहीं होगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये शख्स इस वायर को खींचता ही जा रहा है बस खींचता ही जा रहा है, पर ये चीज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक्चुअली गाइस, रियलिटी में ये बंदा इस वायर को खींच ही नहीं रहा है बल्कि वायर के साथ साथ अपनी उंगलियों को भी पीछे ले जा रहा है, जिससे अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो यही लगेगा कि भाई वायर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पर ये लोग ऐसी ट्रिक करके हमको पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। नंबर 10, आपको ट्रैवल करने के लिए कार ज्यादा सेफ लगती है या एरोप्लेन? अब ये सवाल लोगों से पूछा गया तो 71% लोगों ने कहा कि उन्हें कार ज्यादा सेफ लगती है, जिसे देख के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ क्योंकि कार से सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने में ही आपके मरने के चांसेस ज्यादा हैं एरोप्लेन क्रैश में मरने के बजाय। और इस चार्ट में आप देख ही सकते हो कि 1946 से 2017 तक एरोप्लेन क्रैश होने के मामले दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला कि कार एक्सीडेंट में आपके मरने के चांसेस 5000 में से एक हैं, सिर्फ 5000 में से। वहीं एरोप्लेन क्रैश में मरने के चांसेस 12 लाख में से एक हैं, एंड इट मेक सेंस क्योंकि एरोप्लेन में 2 हाईली क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। वहीं अब उनके बारे में सोचो जो ड्रिंक करके रोड पर हैवी ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता है और बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देते हैं। बोल दो, ये देख के आपका मन नहीं करता कि गाड़ी से निकाल के अभी 2 रैप्टे लगाऊं उसके। नंबर 11, ये एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। ये एक नई फॉर्च्यूनर से भी महंगा है और ये प्रोडक्ट कोई हीरे मोती या सोने का आईफोन भी नहीं है। एप्पल $1 trillion कंपनी बन गई है सिंपल प्रोडक्ट्स को महंगा बेचकर। उनका एक छोटा सा क्लीनिंग क्लॉथ भी 2000 रुपए का आता है और ये क्लॉथ आपके आंसू पोंछने के काम आएगा जब आप एप्पल के इस पीसी का प्राइस सुनोगे जो है 42 लाख रुपीज। इतने में आप 8 वैगनार खरीद सकते हो। जी हाँ, वही वाली वैगनार, 10 लाख हॉर्स पावर से बनी EMI पे ली हुई ये मिडिल क्लास गाड़ी परफेक्ट है लाने के लिए दूर। और अपना एक टैक्सी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो ओला उबर की तरह। और इसके नीचे लगने वाली व्हील्स कुछ गाड़ियों के अलॉय व्हील से भी महंगे हैं, जिनका 4 का सेट 70,000 रुपए का आता है। लेकिन इसके महंगे होने के 2 बड़े रीजन है। पहला है डिजाइन एंड क्वालिटी। एप्पल का क्लेम है कि उनका ये मैक प्रो 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बना है और एप्पल को इसके डिजाइन पर भी बहुत नाज है, लेकिन मुझे तो ये एक कद्दूकस के जैसा लग रहा है। खैर, इतने पैसे ले रहे हैं तो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल पीसी मिलना चाहिए, जो कि है भी। इसमें आपको मिलती है 1.5 TB की रैम जिसकी कॉस्ट अकेले ही 20 लाख रुपए है। दूसरा रीजन है यूजेज। एप्पल भी जानता है कि आप इस पीसी को GTA खेलने के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करोगे। इस पीसी का इस्तेमाल होता है डिज्नी और मार्वल जैसी हाई एंड प्रोडक्शन मूवीज की एडिटिंग और एनिमेशन के लिए, जिनके लिए हर डिटेल का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। बाकी 42 लाख रुपए में सिर्फ आपको ये पीसी मिलता है। अगर आपको एप्पल की XDR डिस्प्ले जिसकी कीमत 5,30,000 रुपए है और इसका स्टैंड जो कि 95,000 का आता है, मोटा मोटा 6 लाख रुपए और देने होंगे। अगर आपके भी इस पीसी का प्राइस सुन के आंसू आ गए तो सब्सक्राइब कर लो और बताओ कि आपका पीसी कितने का है। नंबर 12, आपको विश्वास नहीं होगा कि कैट्स को कितनी भी ऊंचाई से गिरा दो, हाँ बुर्ज खलीफा से भी और चाहे हेलीकॉप्टर से भी, ये सरवाइव कर सकती हैं। लेकिन ये सुनकर प्लीज अपनी बिल्ली को खिड़की से बाहर मत फेंक देना। दरअसल 1987 में 132 बिल्लियों पर स्टडी की गई थी। इसमें इनको बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से लेकर 32वें फ्लोर तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग से गिराया गया और देखा गया कि 90% कैट्स सरवाइव कर गईं और सिर्फ कुछ 40% कैट्स को ही थोड़ा मोटा डैमेज आया। लेकिन इस स्टडी में देखा गया कि 2nd फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक कैट्स में थोड़ी इंजुरी बढ़ी, लेकिन आप कैट्स को 7th फ्लोर से गिराओ या 32वें फ्लोर से, डैमेज उतना ही आएगा। इसका रीजन है कि जब कैट्स को ज्यादा ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये अपने पैरों को फैलाकर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को कर लेती हैं। इसमें बिल्ली की जान तो बच जाती है लेकिन लंग्स और रिब्स डैमेज हो जाती हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, सो प्लीज डू नॉट ट्राई विद दिस योर बिल्ली एट होम प्लीज। नंबर 13, VR का यूज तो अब गाय भी कर रही हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई रशिया से, जहां ज्यादातर बर्फ पड़ती है जिसकी वजह से गाय को हरियाली नहीं दिखती तो उसको मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से गाय दूध भी बहुत कम देने लगती है। इसीलिए रशिया ने ये वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बना दिए, जिन्हें गाय को पहनाकर मस्त खुला आसमान और हरी भरी घास के मैदानों की फिल्म दिखाई जाती है, जिससे गाय का मूड फ्रेश हो जाता है। और 22 लीटर दूध देने वाली ये गाय VR लगा के अब 27 लीटर दे रही है। इसीलिए तुर्की और बाकी के देशों में भी ऐसा किया जा रहा है।
रहा है। नंबर 14, ये है दुनिया का सबसे भुक्कड़ जानवर, जो भूख लगने पर एक मेंढक, मछली, बतख, कछुआ, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, गधा, कंगारू, यहाँ तक कि एक इंसान को भी खा जाए अगर इसका बस चले तो। दरअसल ये है पेलिकन, जिनकी चोंच के नीचे एक थैली होती है जिससे ये आमतौर पर तो मछलियाँ पकड़कर ही खाते हैं, लेकिन ज्यादातर ना खाने वाली चीजों पर भी मुंह मारते रहते हैं। दरअसल इस प्रजाति के खून के अंदर एक अलग ही चूल है कि इन्हें सब कुछ खाना है, भले ही फिर उसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। जैसे ये एक भालू के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे पता है कि भालू इसकी फाड़ के रख सकता है, लेकिन फिर भी ये ढीठ नहीं मानेगा और अगली बार इससे भी बड़े शिकार पे मुंह मारेगा। हद तो तब हो गई जब इसने अपना मुंह खोला एक जिराफ को खाने के लिए। नंबर 15, जो मूवीज पहले ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी, बाद में उनको कलर में कन्वर्ट किया गया था, और इसके पीछे जो मेहनत लगती है उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इन मूवीज को कलर करने के लिए लिटरली एक एक फ्रेम को एनालाइज करके मैनुअली कलर किया जाता है। दरअसल ये एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बल्कि इन्हें ग्रे स्केल बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ ऐसी दिखती हैं, और अगर आपको फ्रेम नहीं पता तो ये समझ लो कि एक सेकंड की वीडियो में 24 या 30 फोटोज होती हैं। वो 30 फोटोज को अगर एक बार में चलाया जाए तो वो एक वीडियो बन जाती है, वो भी एक सेकंड की। तो अगर हम 24 फ्रेम को पकड़े एक सेकंड में, तो एक 3 घंटे की मूवी में तकरीबन 2.5 लाख फ्रेम से भी ज्यादा फ्रेम होंगे। कलरिस्ट हर फ्रेम को लेकर उस पर रिसर्च करके एनालाइज करते हैं कि शेडोज कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है, और कपड़ों और स्किन को क्या कलर देना है। ये सब डिटेल्स ध्यान में रख के एक एक फ्रेम को कलर किया जाता है, और अगर पूरे 200 लोगों की टीम इस काम को मिलके भी करें तो भी एक पूरी मूवी को कलर करने के लिए 1.5 साल का समय लग जाता है। बाप रे। नंबर 16, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा भी अगर मिला दिया जाए तो भी इस आदमी के बैंक बैलेंस के आगे वो कुछ नहीं। यहाँ तक कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर दुनिया के सारे देशों की GDP भी मिला देना वो भी कम पड़ जाएगी। दरअसल ये है क्रिस रेनॉल्ड्स, जिनके अकाउंट में 92 quadrillion, 233 trillion, 720 billion, 368 million, 547,800 dollars हैं। ये इतना पैसा है कि 3.5 लाख एलोन मस्क लगेंगे इसके बराबर आने में, और अंबानी जी 1 मिलियन प्लस। और ये सारा पैसा इन्होंने पाया एक गलती से, एक ऐसी गलती जो पेपल वालों से हो गई थी, और उन्होंने ये अमाउंट इनके बैंक में ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद ये पूरे 2 मिनट तक दुनिया के इकलौते क्वाड्रिलियन रहे, और फिर 2 मिनट बाद पेपल ने इनके अकाउंट से सारे पैसे वापस ले लिए।